Hello friends, subscribe to our channel here and press the bell icon to get all the latest videos from our channel. गुरुवार को नॉटिंघम में खेले गए विश्व कप मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 15 रन से हरा दिया। इस मैच में यूनिवर्सल बॉस क्रिस गेल कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन उनके आउट होने पर विवाद खड़ा हो गया। जो गेंद फ्री हिट होनी चाहिए थी, उस गेंद पर गेल को वापस पवेलियन जाना पड़ा। आईपीएल के बाद अब विश्व कप में भी खराब अंपायरिंग को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। वेस्ट इंडीज की पारी के पांचवें ओवर की पांचवी गेंद पर क्रिस गेल आउट हो गए। मिचेल स्टार्क की एक इन स्विंग गेंद सीधे गेल के पैड पर जा लगी। गेल ने रिव्यू लिया, लेकिन अंपायर कॉल के चलते उन्हें वापस जाना पड़ा। असली विवाद अब सामने आया जब पिछली गेंद का रिप्ले देखी गई। मिचेल के इस ओवर की चौथी गेंद नो बॉल थी। मिचेल का पैर क्रीज से काफी आगे था, लेकिन अंपायर उसे नहीं देख पाए। अंपायर अगर ऐसा करने में सफल होते तो जिस गेंद पर क्रिस गेल आउट हुए थे वो फ्री हिट होती। इस तरह के खराब अंपायरिंग के बाद लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मैच में कई बार डीआरएस का भी प्रयोग हुआ। दो बार तो क्रिस गेल ने ही रिव्यू लेकर अपना विकेट बचाए रखा। इस स्तर की अंपायरिंग को लेकर क्रिकेट फैन भी नाराज हो गए हैं। सोशल मीडिया पर अंपायरिंग को लेकर लोग आईसीसी को भी ट्रोल कर रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 15 रनों से हरा दिया है। हालांकि वेस्ट इंडीज की टीम ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। दोनों ही टीमों की गेंदबाजी बेहतरीन रही। ऑस्ट्रेलिया की जीत के हीरो रहे मिचेल स्टार्क ने 5 विकेट चटकाए। वहीं कुंटर नाइल ने 60 गेंदों में 92 रन की शानदार पारी खेली है।